आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आप ऑटो कैब कैसे बुक कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखना है, वीडियो को मिस नहीं करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना होगा, आपको अपने प्ले स्टोर अकाउंट को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आप देख सकते हैं आपको इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा। आपको टॉप में एक सर्च बॉक्स का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ टाइप कर लेना है ओला। तो आपको यहाँ फर्स्ट में आपको देखने को मिल रहा है ओला सेव एंड ओपन। तो आपको इस ऐप को इंस्टॉल कर लेना है। ये मैंने ऑलरेडी पहले से ही इंस्टॉल कर रखा है, तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। तो मैंने इस ऐप में ऑलरेडी ओला कैब जो है ऐप जो है इसमें ऑलरेडी पहले से ही अकाउंट क्रिएट कर रखा है मैंने। अगर आपको अकाउंट क्रिएट करना नहीं आता तो मैंने इसके लिए वीडियो बना रखी है। तो वीडियो बना रखी है, तो मैंने वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन मेंशन कर रखा है। तो आप वीडियो लिंक पर क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं कि ओला कैब में अकाउंट कैसे क्रिएट करें। तो आपकी आज की जो वीडियो है ये है कि हम ऑटो कैब कैसे बुक कर सकते हैं ओला ऐप से। तो आपको टॉप में देखने को मिल रहा है सर्च बॉक्स का ऑप्शन देखने को मिल रहा है योर करंट लोकेशन। तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे जो आपकी जो लोकेशन है, जिस लोकेशन पर आप अवेलेबल हैं, वो आपको इस तरीके से यहाँ शो हो जाएगी। अगर आप इसको कट करना चाहते हैं तो आप कट करके दोबारा से यहाँ पर लोकेशन मेंशन कर सकते हैं, लिख जो लोकेशन आपको यहाँ आप टाइप कर सकते हैं। या फिर आप करंट लोकेशन पे क्लिक करेंगे फिर भी जो आपकी जो लोकेशन है वो इस तरीके से ऑटोमेटिक आपकी जो लोकेशन है वो मेंशन हो जाएगी। मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये लोकेशन मेंशन होगी। मेंशन होने के बाद आपको क्या करना है, आपको फिर से करंट लोकेशन पे क्लिक करना है। करंट लोकेशन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ देखने को मिल रहा है सर्च डेस्टिनेशन। तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। तो मैं इस पर क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं इस तरीके से पिकअप लोकेशन, जो मैंने जो लोकेशन जो मेरी जो लोकेशन थी वो मैंने यहाँ सेलेक्ट कर चुका हूँ अपनी जो जिस लोकेशन पर अवेलेबल था। देन इसके बाद अब मुझे जिस लोकेशन पर जाना है वो यहाँ एंटर डेस्टिनेशन पर आपको यहाँ क्लिक कर देना है। अब आपको वो लोकेशन यहाँ एंटर कर देनी है जिस भी लोकेशन पर आपको जाना है। तो यहाँ आपको यहाँ मैं टाइप कर लेता हूँ सूरजपुर साइट 4। तो मैंने इस पर टाइप करा। टाइप करने के बाद आप देख सकते हैं आपको यहाँ देखने को मिल रहा है कंफर्म रूट पे आपको क्लिक कर देना है। तो मैंने कंफर्म रूट पे क्लिक करा। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा, यहाँ आपको प्राइस देखने को मिलेगा, बाइक प्राइस इतना है। और यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ आपको देखने को मिला सभी के आपको प्राइस देखने को मिला, कार के प्राइस देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ हमें ऑटो बुक करना है, ऑटो कैब बुक करना है। तो ऑटो कैब बुक करने के लिए आपको क्या करना होगा, हमें फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ दिखा दें आपको कैश पे क्लिक करना। अगर आप कैश करना चाहते हो आपको कैश पे क्लिक कर देना, कैश पेमेंट कर सकते हैं कैश। तो जैसे आप कैश पे क्लिक करेंगे जब आपका जो ट्रैवल जो है वो कंप्लीट हो जाएगा तो आप उसको कैश दे सकते हैं। अगर आप फ़ोन पे ऑनलाइन पेमेंट करना चाहें ऑनलाइन करना है ऐड फ़ोन पे ऐड पेटीएम वॉलेट कर सकते हैं। तो यहाँ आपको क्या करना है, यहाँ आपको कंफर्म पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ आपको ऑटो पे क्लिक करना है। देन इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ आपको देखने को मिल रहा है कूपन। अगर आपके पास कोई कूपन है वो आप यहाँ एंटर कूपन कोड यहाँ आपको एंटर कर सकते हैं कूपन कोड को। देन इसके बाद आपको अप्लाई कर देना है। या मेरे पास कोई कूपन नहीं है। देन इसके बाद आपको क्या करना है, आपको देखने को मिल रहा है बुक ऑटो। बुक ऑटो पे आपको क्लिक कर देना है जो हाईलाइट है। देन उसके बाद आपको कन्फर्म लोकेशन पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं इस तरीके से। तो आपको क्या करना होगा, यहाँ आपको देखने को मिल रहा है बुक हाईलाइट हो रहा है, तो आपको यहाँ बुक पे